नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक का तरीका, यह उसका छठा सत्र है जो कि जनवरी 24, 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब में दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, या फिर सिरे से खारिज कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। अब हम आगे चलते हैं। तो जैसे सभी सत्रों की शुरुआत होती है, रा कहते हैं, हम रा हैं, हम तुम्हारा स्वागत अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो डॉन सवाल करते हैं, हमको पिछली बार अपना सत्र बीच में ही रोकना पड़ा था, क्या हम वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां से हमने पिछला सत्र समाप्त किया था? तो रा कहते हैं, अब हम तीसरे हिस्से की बात करते हैं जिसका ऊर्जा के विकास से लेना देना है। तीसरा हिस्सा होता है आत्मा को लेकर, जो कि अनंत ऊर्जाओं को अपने अंदर समाये बैठी होती है, जिसमें सबसे कम विभाजन होता है। हाँ, ये कहना सही होगा कि ये आत्मा की खोजबीन और संतुलन बनाना सबसे लंबा और मुश्किल काम है, इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का। हम लोगों ने दिमाग को एक पेड़ की तरह समझा है। ये दिमाग ही है जो शरीर को चलाता है। जब कोई इस दिमाग को एक दिशा में करके, एक संतुलन बना के और जागरूक होकर इसको समझता है कि हाँ, उसके कुछ झुकाव और विरोधाभास हैं, तो वो इसका संतुलन बना के अपने आप को तैयार करता है और बड़े बड़े कामों को अंजाम देता है। ये काम आग और हवा के जैसा है। आत्मा के अंदर का ऊर्जा क्षेत्र एक रास्ता है। जब शरीर और दिमाग खुले होते हैं तो आत्मा एक रॉकेट की तरह, या कह लो एक सूचना देने वाले की तरह काम करती है, जिसमें कि हर व्यक्ति की ऊर्जा आग की तरह नीचे से ऊपर और हवा की तरह ऊपर से नीचे चलती है। जब यह रॉकेट की तरह काम करने लगती है तो ये इस तरह से इलाज करने की योग्यता और कई चमत्कारी दिखने वाली योग्यताएं अपने आप आ जाती हैं, क्योंकि फिर यह आत्मा सीधा अनंत बुद्धिमानी से अपना ज्ञान ले रही होती हैं। अभी तुम्हारी धरती पर काफी लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि उनकी आत्मा का ये द्वार खुल जाता है जब वो कभी कभी LSD का नशा कर बैठते हैं। वो जाने अनजाने इस ऊर्जा को खोल देते हैं जिस पर उनका फिर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। ये लोग जरूरी नहीं कि सेवा का रास्ता चुनकर चल रहे हों, ध्यान लगाकर जानबूझकर जब इस ऊर्जा को खोला जाता है तो ये सही तरह से काम करती है और इसके इस्तेमाल से ये इलाज करने का और अन्य चमत्कारी दिखने वाले काम करना एक आम बात सी हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे रा ने बोला है LSD को लेकर, परंतु हम किसी को भी ये सुझाव नहीं देंगे और ना ही हमारा कोई सुझाव है कि कोई इस तरीके से LSD लेकर उपयोग करके इस तरीके से काम करे, क्योंकि उसमें उसका संतुलन भी बिगड़ सकता है। तो यदि कोई इस तरीके से करता है तो वह उसके ऊपर है, हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि यह सब कुछ इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। फिर आगे रहा कहते हैं, ये दिखने में चमत्कारी लगता है परंतु ये आम बात है और जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। इससे जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आता है और बड़े बड़े काम किए जाते हैं। अब हमें लगता है कि शुरुआती तौर पर इतना काफी है आपके सीखने और सिखाने के लिए। जब आप ये कर लोगे तो भविष्य में हम इसको और गहराई से बताएंगे कि इस द्वार का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इस तरह से इलाज करने के लिए। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, हमारा एक दोस्त है टॉम फ्लेहार्टी, वो भी ये जो सत्र हम आपके साथ कर रहे हैं ना, उसमें आना चाहता है। क्या आप जानते हो टॉम फ्लेहार्टी को? तो रा कहते हैं, हमें टॉम का आना मंजूर है, परंतु हम तुम्हें आगाह करते हैं कि उसको इन सत्रों में लाने से पहले अपने दिमाग
और अपने साजो सामान को ध्यान में रखकर ही आए। तो डॉन अगला सवाल करते हैं, साजो सामान से आपका क्या मतलब है? तो रा कहते हैं, साजो सामान से हमारा मतलब जो कार्ला के सर के पीछे रखे हुए हैं उससे है, क्योंकि उसके रचयिता के प्रेम और रोशनी में झुकाव में इसका भी योगदान है। वो कैसे और प्रेम से रखे हैं इसके बारे में टॉम को बता देना कि ये कार्ला की ऊर्जा को संतुलन बनाने के लिए रखे गए हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, वो मेरी बात सुनता है, मानता भी है, हम ध्यान पूर्वक उसको ये सारी बातें समझा देंगे। अब मुझे लगता है कि यह सही समय है कि आप हमें थोड़ा अपने इतिहास के बारे में बताएं, जैसे कि आप किस ग्रह के हैं या थे और आपका हमारी धरती से क्या संबंध है। तो रा कहते हैं, अब हम रा बन चुके हैं, यानी हम सबकी सोच आपस में टेलीपैथी के द्वारा जुड़ चुकी है। हम तुम्हारे ही सौर मंडल के एक ग्रह शुक्र के थे जो घूमते हुए तुम्हारे ग्रह पर आ गए थे। तुम्हारे समय के हिसाब से हम एक बहुत पुरानी सभ्यता हैं। जब हम छठी घनत्वता के हुए तो हमारे शरीर लंबे, नाजुक और सुनहरे दिखने लगे। हमारी खाल नाजुक और सुनहरी है। इसी रूप में हम तुम्हारे लोगों के बीच में आए थे। तुम्हारे लोग तब भी हमको तुम लोगों से अलग देखते थे, या कह लो अपने आप से अलग देखते थे। इसलिए तुम लोगों में हम लोग घुल मिल ना पाए और हमें अपने की बजाय पराया देखा गया। इसलिए हम कम समय ही तुम्हारे बीच में रुके। हमारे भाई, हम तो यह सोच कर आए थे कि हमें तुम अपना मानोगे, या कह लो अपने भाई बहन मानोगे, परंतु तुमने हमें भेदभाव से देखा, इसलिए हम चले गए। ये वही वक्त था जब पिरामिड बनाए गए। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, आप शुक्र ग्रह से यहां आए कैसे? तो रा कहते हैं, हमने सोच की शक्ति का इस्तेमाल किया। तो डॉन कहते हैं, क्या उस वक्त ये मुमकिन था कि हमारे ग्रह के किसी व्यक्ति को शुक्र ग्रह पर ले जाया जा सके? क्या वो वहां जिंदा रहता वहां के वायुमंडल को देखते हुए? तो रा कहते हैं, शुक्र ग्रह पर तुम्हारे तीसरी घनत्वता के लोगों के लायक वायुमंडल नहीं है। पांचवी और छठी घनत्वता के लिए आगे बढ़ना, सीखना सिखाना भी अब वहां मुमकिन नहीं है। दोस्तों, यहां पर रा ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि तीसरी घनत्वता के यानी हम जैसे लोग मंगल ग्रह पर नहीं जी सकते, वहां का वायुमंडल ऐसा है नहीं, और पांचवी और छठी घनत्वता के भी नहीं रह सकते। तो इसका मतलब ना तीसरी के रह सकते, ना पांचवी के रह सकते, ना छठी के रह सकते, यानी चौथी के रह सकते हैं। तो इसका मतलब शुक्र ग्रह इस वक्त चौथी घनत्वता का है। और आप लोगों को ये घनत्वता का जो है ना, ये हम थोड़ा सा समझाते हैं। देखो, घनत्वता क्या होती है? किसी भी चीज का ठोस होना और किसी चीज का हल्का होना, ये उसकी घनत्वता को दर्शाता है। यदि आप अपने पंखे का बटन ऑन कर दो और पंखा तेजी से चलने लग जाए, तो पहले तो आपको उसकी पंखड़ियां दिख रही होती हैं, लेकिन जब वो इतनी तेजी से चल रहा होता है ना, तो उसके अंदर कंपनता आती है। और जो चीज जितनी तेजी से कांपेगी, उसकी कंपनता बढ़ती चली जाएगी, और जितनी कंपनता बढ़ती चली जाएगी, उतना वो हल्का होता चला जाएगा और दिखना बंद हो जाएगा, या कम कम दिखेगा आपको। तो मान लो अगर आपने ये पंखा इतनी तेजी से चला दिया, आपका 5 का नंबर छोड़ो, आपने इसे 500 पे चला दिया, धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि पंखा है ही नहीं, गायब ही हो गया वहां से। तो इसी तरीके से घनत्वताएं काम करती हैं। जैसे कि अभी राह आगे चल के बताएंगे कि इसी, जैसे उन्होंने बताया ना कि हम तो सोच की शक्ति का इस्तेमाल करके आ गए, वो इसलिए आ गए क्योंकि उनको इन घनत्वताओं में से घूमना आता है, इधर से इधर निकल जाना, इधर से उधर निकल जाना। मतलब वो चाहें तो हमारी घनत्वता में भी आ सकते हैं, और चाहें तो इससे भी महीन महीन घनत्वताओं में जा सकते हैं। इसका एक उदाहरण और है, कभी कभी आपने एक खड़ी गाड़ी देखी होगी, तो उसके टायर जो होते हैं ना, उसके अंदर के नट बोल्ट आपको दिख रहे होते हैं, पर जैसे ही वो गाड़ी तेजी से स्पीड में चलने लग जाती है ना, धीरे धीरे उसके नट ही दिखने बंद हो जाते हैं, जो उसके पेच होते हैं वो दिखने ही बंद हो जाते हैं। वो इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि अब टायर में आ गई है कंपनता,
और जितनी तेज वो टायर घूमता जाएगा वो नट दिखने ही बंद हो जाते हैं। इनको कहते हैं घनत्वताओं का खेल। एक घनत्वता से दूसरी में चले जाना, दूसरी से तीसरी में चले जाना। अभी हम जिस ग्रह पे रह रहे हैं और जो हमारे शरीर है और हमारा दिमाग और हमारी सारी चीजें, जो हमारी सोच, हमें जो जो चीजें दिख रही है ना, ये सभी की सभी तीसरी घनत्वता की हैं। तो खैर, आगे डॉन सवाल करते हैं, आप शुक्र ग्रह से यहां कैसे आए? ये मेरा अनुमान है कि आप छठी घनत्वता के हैं जो कि ना दिखने वाली होती है। क्या आपको अपनी घनत्वता बदलनी पड़ी थी हमारी धरती पर आने के लिए? तो रा कहते हैं, तुम्हें हवा का तो पता ही होगा, कुछ भी ना होने में घुल जाना ही एकता में घुल जाना होता है। तो कहने का मतलब ये है, यहां पे रा कह रहे हैं कि हम हवा में ही गायब हो जाते हैं, तो हवा में गायब होके वहां से गायब हो और यहां से निकल आए। तो वो आगे कहते हैं, छठी घनत्वता में हम सक्षम हैं कि अपनी सोच से या कह लो दिमाग की शक्ति से रचयिता की अनंत बुद्धिमानिता का इस्तेमाल करके हर रोशनी के कण कण से बात या आग्रह करके जैसा चाहे वैसा आकार ले सकते हैं। इसी का इस्तेमाल करके हम अपनी घनत्वता से तुम्हारी तीसरी घनत्वता में आकर दिख सकते हैं और आए भी। इस प्रयोग को करने के लिए हमें महासंघ या कह लो परिषद समिति से अनुमति मिली थी, जो तुम्हारे ग्रह की रखवाली करते हैं या कह लो कि तुम्हारे ग्रह के रक्षक हैं। तो डॉन कहते हैं, ये समिति कहाँ है या कह लो ये महासंघ बैठता कहाँ है? तो रा कहते हैं, यह समिति आठवीं घनत्वता में बैठती है शनि ग्रह पर, जिसको तुम शनि ग्रह की रिंग बोलते हो ना, जो उसके आसपास बनी हुई है या शनि ग्रह के चारों ओर बनी हुई अंगूठी का आकार है, वहां पर है ये महासंघ। तो डॉन अगला सवाल करते हैं, क्या हमारे सौरमंडल में कोई ग्रह है जहां हमारे जैसे दिखने वाले लोग हों? तो रा जवाब देते हैं, तुम अभी के समय और जगह की बात कर रहे हो या फिर किसी भी समय और जगह की बात कर रहे हो? तो डॉन कहते हैं, आप दोनों ही बता दीजिए हमें, हम तो दोनों ही जानना चाहेंगे। तो रा इसका जवाब देते हैं, एक समय जगह पर तुम्हारे ही सौरमंडल में एक सभ्यता हुआ करती थी जो तीसरी घनत्वता की थी। इसको तुम अलग अलग नामों से जानते हो, परंतु उसका नाम मेल्डेक था। उन्होंने अपने ग्रह को नष्ट कर लिया था और मजबूरी में तुम्हारे ग्रह पर जगा ली, क्योंकि उस समय तुम्हारा ही ग्रह था जो कि तीसरी घनत्वता का था, जहां पर रहकर ये पश्चाताप करके अपने शरीर, दिमाग और आत्मा के विभाजनों को एक के ज्ञान के तरीकों से जान सकें। तो डॉन कहते हैं, वो यहां पर आए कैसे? तो रा कहते हैं, उनको कटाई की प्रक्रिया से यहां दोबारा जन्म दिया गया, जिसको तुम पुनर्जन्म की प्रक्रिया बोलते हो। दोस्तों, ये कटाई का जो शब्द है ना, इसको अंग्रेजी में हार्वेस्ट बोलते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भी आगे आएगा। तो डॉन कहते हैं, हमारे सालों के हिसाब से यह कब हुआ था? तो रा कहते हैं, यह लगभग 5 लाख साल पहले हुआ था। तो डॉन आगे कहते हैं, जी बहुत बहुत धन्यवाद, तो इसका मतलब क्या ये इंसानों की जनसंख्या जो धरती पर है, क्या ये मेल्डेक के हैं? तो रा कहते हैं, जो इस कटाई की प्रक्रिया से मेल्डेक से लाए गए वो तुम्हारी धरती के ऊपर नहीं नीचे रहते हैं। तुम्हारी धरती की जनसंख्या काफी अलग अलग जगहों से है, कुछ तो दूसरी घनत्वता से तीसरी घनत्वता में यहां पैदा हुए हैं और कुछ दूसरे तीसरी घनत्वता के ग्रहों से यहां अपनी तीसरी घनत्वता दोहरा रहे हैं। तुम सब एक प्रजाति के नहीं हो, परंतु इस ग्रह के अनूठे अनुभव तुम्हारे लिए एक ही हैं। तो डॉन कहते हैं, हम जानना चाहेंगे कि ये एक के ज्ञान के तरीकों से ये दूसरे ग्रहों से यहां धरती पर लोग कैसे लाए गए और ये कटाई का काम कैसे हुआ। तो रा कहते हैं, एक का ज्ञान केवल एक ही चीज कहता है कि सब चीजें एक हैं और हर प्राणी एक है। इस पर चलने या समझने के लिए कुछ तरीकों के व्यवहार और सोच की जरूरत है जो इससे मिलते हो। जो प्राणी अपनी एक जिंदगी का चक्र पूरा कर लेता है, उसकी अपनी एक ग्रेड या कह लो श्रेणी बनती है, जो उसकी सोच, शब्द और कर्मों से बनती है। इस ग्रेड के हिसाब से
वो मरने के बाद उसी ग्रेड का शरीर, दिमाग और आत्मा अपनी इच्छा से चुनता है। तो दोस्तों यहां पर ये जो ग्रेड की बात हो रही है ना, यहां पे तीन शब्दों का बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व है। यहां उन्होंने कहा उसकी सोच, उसका शब्द और उसका कर्म, इन तीनों को मिला के उसकी ग्रेड बनती है कि भाई वो अगली घनत्वता में जाएगा या इस घनत्वता में ही दोबारा रिपीट करेगा। तो यहां पर वो यही कहना चाह रहे हैं कि इस ग्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके हम लोगों ने जिन लोगों को आगे की घनत्वता में जाना होता है उनको वहां ले जाते हैं, जिनकी तीसरी घनत्वता पूरी नहीं हो पाई है उनको वहां से उठा के यहां कर देते हैं। तो फिर रा आगे कहते हैं, इस प्रक्रिया का रखरखाव वो प्राणी करते हैं जो इन आत्माओं का पालन पोषण करते हैं और एक के ज्ञान को अच्छे से जानते हैं और अपनी इच्छा से ही इस सेवा को करते हैं। इसलिए ये माया जाल है जो रोशनी का बना हुआ है, या कहें कि असलियत में प्रेम रोशनी का बना हुआ है और ये अलग अलग भीषणताओं का बना हुआ है। कटाई के बाद दोस्तों ये कह रहे ना अलग अलग भीषणताओं का बना हुआ है, तो यहां पर वो ये ही बताना चाह रहे हैं कि कंपनताओं का बना हुआ है अलग अलग। ऐसा नहीं है कि हम जिस घनत्वता में रह रहे हैं इस खाली जगह में कोई नहीं रह रहा है, जिसे हम हवा कहते हैं, इसमें भी और सभ्यताएं रहती हैं। तो फिर वो आगे कहते हैं, कटाई के बाद हर आत्मा एक रोशनी की तरफ चलती है। जब ये रोशनी उसके लिए बहुत तेज हो जाती है तो वो वहीं रुक जाता है। ये हो सकता है कि ये आत्मा बस तीसरी घनत्वता के द्वार तक ही पहुंची हो या फिर तीसरी घनत्वता के अंत तक ही पहुंची हो, जो कि उसकी ग्रेड या श्रेणी बताती है कि वो अपने अनुभवों में कहां तक पहुंची। फिर भी जो जहां तक पहुंचता है उसको वहां से फिर एक बड़ा चक्र उसके अनुभवों के अनुसार मिलता है जो उसकी सोच और कर्म पर आधारित होते हैं। ये इसलिए होता है ताकि वो अपने अंदर के विभाजनों को कम कर सके। तो डॉन अगला सवाल कहते हैं, ये बड़ा चक्र हमारे सालों में कितना होता है? तो रा कहते हैं, एक बड़ा चक्र करीब 25,000 साल का होता है। ऐसी तीन बड़े चक्र होते हैं जिसके दौरान जो आगे बढ़ चुके होते हैं उनकी कटाई हो जाती है। दोस्तों कटाई शब्द ये बार बार आएगा, परंतु इसको आप ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से हो सके तो आप प्लीज सुन सकते हैं। तो वो आगे कहते हैं, 75,000 साल के संपूर्ण चक्र के अंत में सबकी कटाई होती है, फिर चाहे वो आगे बढ़े हों या ना बढ़े हों, क्योंकि उस दौरान एक तीसरी घनत्वता का ग्रह भी अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव ले चुका होता है और अपने आप को नई या अगली घनत्वता के लिए तैयार करता है, और इसके बाद इसके नीचे की घनत्वताओं के लिए जिंदगी बंद हो जाती है। तो दोस्तों यह सत्र काफी लंबा है, तो हम इस सत्र को अभी यहीं रोकते हैं, इसको हम अगले सत्र में कंटिन्यू करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।